स्टूडेंट्स, आज हम आपको अपने एक विद्यार्थी से मिलाते हैं जिसने बीकॉम की एडमिशन प्राप्त किया है। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर ऑपरेटर एक साल से कार्य कर रहे हैं। ये आज आपसे एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में हैं मलकीत जी, आपने क्या क्या सीखा? डेली के एंट्रीज वगैरह करने, ठीक है जी, जो डेली के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो तैयार करने, पेपर वर्क, ये सब। ये कंप्यूटर ऑपरेटर एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप इसको एक स्टेप समझ सकते हो। इसमें क्या क्या डिफिकल्टी आती है, पहले मैनुअल वर्क होता था, आज हर काम कंप्यूटर पे होने लग गया। उसमें क्या क्या न्यू फ्रेश स्टूडेंट को क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं? मुश्किलें डॉक्यूमेंट तैयार करने में आती हैं। यस यस हमको फॉर्मेट वगैरह बनाना पड़ता है, वो एक्सेल में बनता है। एक्सेल में, वर्ड में, अच्छा आप किसी भी बना सकते हैं अच्छा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अच्छा आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सॉफ्टवेयर भी रखा है उसको ऑपरेट करने के लिए? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं रखा सिर्फ अभी एक्सेल में ही सभी काम हो रहा है, उन्होंने। हाँ जी, यानी और रजिस्टर वर्क भी अच्छा होता है और ठीक। कंप्यूटर वर्क दोनों होते हैं। मलकीत जी का कहना है कि एमएस एक्सेल को सीखना बहुत ही जरूरी है जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा क्या क्या और ड्यूटी कंप्यूटर ऑपरेटर को देनी पड़ती है? इसके अलावा मींस कोई कंप्यूटर ऑपरेटर के जैसे कोई प्रोडक्ट है उसको भी कोड करना है, कोई सेल परचेज में नहीं, ऐसा, वो नहीं, सिर्फ मतलब जो भी डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह किससे संबंधित है? है इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, कोई ठीक लेटर ऑफिस में सबमिट करना है या कोई अच्छा ऑफिस से आया है अच्छा या कोई डिटेल उनको देनी है, अच्छा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड। अच्छा कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है आपका? नहीं अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के रिलेटेड नहीं नहीं है, ठीक। सिर्फ ऑफिशियल है, सिर्फ लेटर ऑफिशियल है। लेटर को कॉरेस्पॉन्डेंस लिख कर उसको भेजना, हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा काम के दौरान कभी कभी जैसे कहते हैं उदासीनता का है कोई माहौल ऐसा बनता है कंप्यूटर पे बैठ गए, ठीक है। जैसे और सर्विस होती हैं, जैसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है या मतलब कि एक टीचिंग लाइन होती है उसमें बहुत थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होता रहता है इस फील्ड में। नहीं, हमारा पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता रहता है, यस यस उसके साथ मतलब जो टाइम है वो अच्छा गुजरता पास हो है, जाता अच्छा है। पास होता है। अच्छा आप आज के जो न्यू विद्यार्थी हैं वो अगर कंप्यूटर ऑपरेटर कोई प्लस टू पास है, कोई बीए पास है, ठीक है, कोई एमए पास किया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? हाँ जी सबसे पहले उनको बेसिक जो उसकी नॉलेज है, एमएस वर्ड, एक्सेल, वो होना चाहिए, हाँ जी ठीक है जी। और उनको उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है जी। और वो कोशिश करें कि जो उनको काम दिया जाए उसको वो प्रॉपरली करें, कमांड्स वगैरह सीख के रखें, इससे वो आगे जा सकते हैं। तो मलकीत जी ने हमें ये बताया कि हर एक चीज को सीखना बहुत आवश्यक है, बिना सीखे आप कुछ भी नहीं बन सकते, और सारा काम अच्छे तरीके से करने के लिए सबसे जरूरी है आप में हॉनेस्टी होना चाहिए, ईमानदारी से है। बिल्कुल, कोई भी एक दिन में शॉर्टकट नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एक दिन में कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बनता, टाइम लगता है उसको, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क, आपका मेहनत और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो मेरी बेस्ट विशेज मलकीत सिंह जी के साथ हैं कि फ्यूचर में या इसमें और आगे तरक्की करें।